तो ये दो चीजें आपकी खिदमत
क्या होते हैं कि तब हम अंदाजा लगाएंगे, तब हमारी कदर और कीमत इस ज़ियारत की बढ़ेगी कि कितनी मेहनत से जो मौका मिला है वो हाथ से जाने नहीं पाया। एक चीज और अर्ज कर दूं, रवायात में मुतवातिर आपको मिलता है, मोमिनीन में आप दूसरे दूसरे से जिक्र करते हैं कि जब तक वहां से बुलाया नहीं जाएगा जा नहीं सकता। बेशक कह दिया, लेकिन यहां एक जहन में सवाल पैदा होता कि अच्छे अच्छे लोग भी जाते हैं वहां और जिनको हम सुबह से शाम तक जानते हैं वो भी जाते हैं, है नहीं? देखिए ये सवाल ऐसा है जिसको हल होना चाहिए। ये क्या माजरा है कि अच्छे अच्छे लोग तो ठीक है उनको मौला ने बुला लिया है, शराब बख्शा है, ये जो सुबह से शाम तक कोई दुनिया भर का उल्टा सीधा करते रहते हैं इनको भी मौला ने बुला लिया है, क्या माजरा है? देखिए बुलाना दो वजह से होता है, बुलाना दो वजह से होता है, कभी इसलिए बुलाया कि जहां पर
भरे दुश्मनों के मजमे में, कर्बला में 3 दिन की भूख प्यास के आलम में
एक रवायत सुनाता हूँ, एक सलावत पढ़ता हूँ।
मैं होटल पर था, ऊपर धमाका कहां हुआ? ख्याल की तरफ गैरेज में सो हुआ धमाका हुआ। मजमा की तरफ इधर होना चाहिए, ऊपर के मंजिल से बाकायदा दिख रहा। यह सारा मजमा जमा होकर के इमाम के रौजे की तरफ जा रहा, और ये आप मजमे में रहे तो नहीं दिखता सर, ऊपर से दिख रहा था। जब भगदड़ मची है तो यह मजमा इधर उधर भागना चाहिए। सारा मजमा इमाम की पनाह में, यानी इमाम पहुंच के मोमिन यह महसूस करता है कि दुनिया में आखिरत की पनाह करना मजमा में हुसैन। Yeah.
बनता है। जो लोग गए हैं उनका तजर्बा है, ये वो चीजें हैं जो इस दुनिया में आप तजर्बा कर ले सकते हैं। रिस्क भी बढ़ता है, उम्र भी बढ़ती है। इमाम बाकर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि हमारे चाहने वालों को ज्यारत इमाम हुसैन अलैहि सलाम का हुक्म दो। क्यों? इसलिए कि ज्यारत इमाम हुसैन अलैहि सलाम रोजी की ज्यादती और उम्र में इजाफे का सबब होती है। यह हदीस है। इस तरह से जो भी अर्ज कर रहा हूं मैं, तो हदीस का मफहूम है। ये छोटी सी अर्ज कर दिया, छलांग आ रही है, गुनाह माफ हो जाता है। अभी